तरह की अंडरवायर नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल साइड से आपको बिल्कुल सीमलेस फील आएगी। हाय गर्ल्स, आर यू लुकिंग फॉर मिनिमाइजर ब्रा? मिनिमाइजर ब्रा बहुत ऐसा सपोर्ट देता है एंड कहीं ना कहीं आपकी जो बस साइज है ना उससे 1-2 इंच आपकी बस को छोटा दिखाता है, बहुत सीमलेस लुक देता है, फुल कवरेज होता है, सारे के सारे विदाउट अंडर वायर हैं, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है फॉर दिस समर। गर्मी के अकॉर्डिंग सारी फैब्रिक बहुत अल्टीमेट है। अगर दे कोई भी सॉलिड कलर टी शर्ट्स वेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अगर टी शर्ट ब्रा में कुछ कुछ में ऐसा होता है ना, कुछ छोटे से कुछ डिटेलिंग यहाँ पे होती है जो कहीं ना कहीं उभर के दिखने लगती है। बहुत सारे ब्राज में ऐसा होता है ना, लिखा तो फुल कवरेज होता है बट उतना अच्छा कवरेज नहीं देता है, बैक से हुक्स विजिबल होने लगते हैं, तो ये बहुत सारी सेलिब्रिटी को देखा होगा स्टाइल करते हुए कितना सीमलेस लुक आता है। एंड आई फील ना कोई भी आउटफिट को कंप्लीट करने के लिए अच्छे ब्रास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ यू आर समवन जो ऑफिस गोइंग हो या फिर कॉलेज गोइंग हो, इस तरह के ब्रास में जरूर इन्वेस्ट करो। एंड सारे ब्रास को ना मैं रेट करूंगी मीन्स उसके डिटेलिंग एंड उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो तुम्हें चूज करने में कहीं ना कहीं आसानी होगी। एंड लास्ट में अपनी फेवरेट जो ब्रा है वो भी मैं मेंशन करूंगी, उसमें ना 2-3 जो है ना मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं संवेदना। आई नो विंटर बहुत ज्यादा हो गई बट ये सारी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करना इम्पोर्टेंट था। स्टार्टिंग विथ दिस ब्रा, ये देख के बिल्कुल लग रहा है ना जैसे कि टीनेजर वाली ब्राज होती है, बिल्कुल नहीं आई। ये बहुत अच्छा कवरेज देता है एंड इसमें इतनी सॉफ्ट पैडिंग की गई है ना, बाय द वे सारे लाइट पैडेड हैं, बिल्कुल भी हैवी पैडेड नहीं है। सारे के जो कपड़े की क्वालिटी है ना, दैट इज सो लाइट, इस गर्मी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। एंड इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी ये पतली स्ट्रेप्स, ये स्ट्रेप्स कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं करती है। बहुत सारे स्ट्रेप्स होते हैं ना बहुत हार्श, मुझे तो रेड जो मार्क्स छोड़ देते थे जो स्टार्टिंग में हम कॉटन का पहनते थे जो 100-200 में आती है, यार कहीं ना कहीं वो सस्ती तो होती है, बहुत डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है आपके। सो बैक साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा पैडिंग क्रिएट किया गया है, उसके अलावा बहुत अच्छी कवरेज दी गई है, बिल्कुल सीमलेस फील आएगा, कोई भी क्लीवेज या कोई भी बॉडी स्विंग की चांसेस नहीं रहेंगे। दिस इज फ्रॉम NMR एंड ये मेरी फेवरेट ब्रांड है, इसमें कोई अंडरवायर नहीं आई है। तो ये बेस्ट बाइक करी है NMR की मीडियम साइज, इसमें मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एंड उसके अब भी मेंशन थे। ये जो बॉक्स है इस ये सारे ब्राज इसी तरह के बॉक्स में आए हैं एंड इसमें मेंशन है दैट दिस इज अल्ट्रा स्मूथनिंग नो पिंच पैडेड वायर फ्री फुल कवरेज टी शर्ट ब्रा। इसमें बहुत सीमलेस फील होता है इफ यू आर समवन हु वेयर बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न, ये वाली ब्रा में जरूर इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी इसमें फिट आती है जैसा कि पिक्चर में यहाँ पे शो किया गया है। मैंने मोस्टली मैं न्यूड कलर ही बाय किया है क्योंकि न्यूड कलर ना बहुत ज़्यादा कपड़ों के साथ इजी टू मैच हो जाती है। इसमें 3 हुक्स आए हैं एंड ये वाले जो है ना हुक्स मतलब 3 हुक्स हैं बट 4 आपको हुक्स पैटर्न मिल जाते हैं। सो आपको ज्यादा ऑप्शन मिलने के कारण ना आप ज्यादा टाइम इसे यूज कर पाओगे एंड ये बिल्कुल भी लूज एंड कुछ भी इशू नहीं आती है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अच्छा सा ये इलास्टिकेशन फील दे रहा है, तो बीच से ना बहुत अच्छा सा कंफर्ट क्रिएट हो रहा है। इस ब्रास को मैं 9/10 रेट करूंगी क्योंकि सो यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर साइज। ओके, नेक्स्ट ब्रा है ये, सिर्फ ब्रा जो है ना ये एक लौती ब्रा है, दैट इज 600 की प्राइस में मैंने बाय करा है। इस ब्रा की सबसे ब्यूटीफुल पार्ट मुझे लगी इसकी बैक साइड, मैं पिक्चर शेयर करूंगी मॉडल को वेयर किए हुए। यहाँ पे ना बहुत प्यारा सा एक फिनिश मिल रहा है, जैसे ब्रालेट्स होते हैं ना वैसी वाली फिनिश बैक से दे रही है और ये बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत कंफर्टेबल है। ये जो नेट है ना दैट इज सो सॉफ्ट लाइक कॉटन, जो कॉटन भी हार्श नहीं बिल्कुल सॉफ्ट वाले होते हैं ना वो वाले कॉटन की फैब्रिक है, इसलिए यहाँ पे लाइनिंग भी जो है ना दैट इज इन प्योर कॉटन। सो यहाँ पे इलास्टिकेशन है एंड ये पहनने का बहुत प्यारा कलर इसका आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इफ यू आर समवन हु इज न्यूली मैरिड। बट इसमें आपकी
फुल कवरेज तो है बट बाउंस कंट्रोल नहीं मिल रहा है. लाइक इफ यू आर समवन हु हैव सैगी बस्ट, ये ब्रा आपके लिए काम नहीं करेगी. उस अकॉर्डिंग आई विल रेट 8 out of 10. उसके अलावा हर चीज मुझे इसकी पसंद आई है, स्ट्रिप्स से लेके कलर से लेके फैब्रिक कंफर्ट एवरीथिंग इज सो गुड. शर्ट्स बहुत सारे होते हैं ना जिसमें बैक की डिप नेक होती है, उसमें ये बहुत प्यारा लगेगा. सो इसमें कलर ऑप्शन भी आई थिंक थे बहुत सारे. दिस इज अगेन फ्रॉम एनएमआर. ओके नेक्स्ट ब्रा, हाँ यहाँ पे इट्स फ्रेम. ओके ये फुल सपोर्ट बहुत अच्छा सा लिफ्ट देता है बस्ट को ये वाली ब्रा. एंड ऐसी दो ब्रास मैंने बाय करी हैं जिसमें बहुत सीमलेस फील दे रहा है, बहुत अच्छा लिफ्ट दे रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है. सो दिस इज इसको रेट में करूँगी 10 on 10. बहुत बहुत पसंद आई है मुझे. एंड इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे थे. अगेन आई सेड मैं ज़्यादातर मैंने न्यूट कलर चूज करा है. इसमें आपको किसी तरह की क्लीवेज शोइंग नहीं आएगी, इसमें बहुत अच्छा सा कंफर्ट आएगा. एक तो बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत अच्छा सा कपड़े की क्वालिटी आपको मिल रही है. लाइटली पैडेड है, हेवीली पैडेड नहीं है, बिल्कुल भी हेवीली पैडेड नहीं है. तो इस गर्मी के अकॉर्डिंग बहुत कंफर्टेबल रहेगा, निपल शोइंग के चांसेस नहीं होंगे. ये मैंने साइज में बाय करा है, दैट इज 34D. ये थोड़ा लूज है, मुझे एक्सचेंज के लिए जाना पड़ेगा आई थिंक सो. एंड इसमें 3 hooks आए हैं एंड ये लाइट पिंक कलर मैंने चूज करा है. अच्छा एक ब्रा मैंने एक्सप्लोर करी रिसेंटली, जैसे कि अगर बहुत सॉलिड बिल्कुल प्लेन कपड़ा आपने पहना है, सॉलिड कलर की टी शर्ट पहनी है, उसमें कहीं ना कहीं बैक साइड से ना ब्रास के जो हुक्स होते हैं ना वो उभर के दिखते हैं. तो ये इशूज एंड समटाइम हम थोड़ी सेमी ट्रांसपेरेंट कपड़ा अगर पहनते हैं सॉलिड कलर की, उसमें और क्लियर हुक्स के जो उभार होती है ना वो क्लियर दिखने लगती है. उस सिचुएशन के लिए मैंने बाय करी है दिस अल्ट्रा स्मूथ फ्रीडम ब्रा. एंड ये ब्राज ना एक तो 0 pinch है, मतलब कोई फील नहीं आएगा, इतना ज्यादा लाइट कपड़ा है इसका. स्मॉल साइज मैंने अभी एक्सचेंज पे डाला था. ये पैड जो है ना वो रिमूवेबल है, यहाँ से रिमूव किए जा सकते हैं. और ये बैक साइड से आपको बिल्कुल सीमलेस फील आएगी, जैसे कि ब्रा आपने वेयर ही नहीं की है. तो ये वाले ब्रा बहुत ज्यादा पसंद आई है मुझे एंड इसके से मैंने न्यूट कलर में बाय करा है. इसकी कंफर्ट इज नेक्स्ट लेवल, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, अच्छा कवरेज दे रही है. कोई भी टी शर्ट वेयर करो, बैक साइड से यार कुछ भी फील नहीं आएगा. अगर किसी ने हाथ भी रखी ना दे विल आज क्यों कि यार ब्रा नहीं पहना है क्या, मतलब कुछ हल्का सा सेमी ट्रांसपेरेंट में दिखने लगता है ब्रा हुक्स, या फिर उसके ऊपर से स्पैगेटी डालो तो बहुत झंझट होती है. ये ब्रा में तो यार मस्ट हैव. इसमें दो मैंने ऑप्शंस बाय करे हैं, एक इनएमआर की मैंने बाय करी है. यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन है दैट दिस इज कंप्लीट 0 pinch कम्फर्ट विथ इलास्टिक फ्री होल्ड. यहाँ पे कोई अंडरवायर नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत लाइट है, मतलब कुछ है ही नहीं यार, कुछ फील नहीं होता है. तो ये तो जरूर बाय करो. इसमें एक और मैंने डिफरेंट ब्रांड्स बाय करे, दैट इज मार्क एंड स्पेंसर. और ये भी सेम, मतलब कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगा ये इनमोर की ब्रा एंड मार्क एंड स्पेंसर की ब्रा में. दोनों ही 0 pinch हैं बिल्कुल. इसकी जो फैब्रिक है सेम एज दिस फैब्रिक, ये 1400 मैंने बाय कर रहा है. ये अभी मैंने बाय तो किया था आई थिंक 1200 के अराउंड में, अभी इसकी प्राइस 100-200 कम हो गई है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जा रहा है. मैंने इसका चेक नहीं किया है, प्राइसेस डिक्रीज हुई है यानी. इसमें भी साइड से आपकी ब्रा निकल, सॉरी ये पैडिंग निकल जा सकती है. इसमें कलर ऑप्शन थे बट सारे आउट ऑफ स्टॉक थे, तो मुझे मजबूरी में ये वाला कलर ट्राई करना पड़ा. एंड ये भी बहुत लाइट है, 0 pinch है, मतलब बिल्कुल सीमलेस फील आएगा. जैसे टॉप पेयर करते हैं ना वैसे वाले हैं. एंड दिस इज फॉर बिगर बस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉलर बस्ट ही वेयर कर सकते हैं. ये ब्राज इज सो गुड,
एंड क्वालिटी बहुत अच्छा कंफर्ट देता है, तो ये में तुम जरूर इन्वेस्ट करो। दिस अगेन फ्रॉम माय साइड 10/10। ओके, नेक्स्ट ब्रांड जो मैंने बाय करी अगेन फ्रॉम मिनिमोर, इसकी बेस्ट पार्ट है इसका वी नेक फ्रॉम बैक साइड। इसमें दो हुक्स ऑप्शन मिलते हैं और बैक साइड से ना ये ऐसा कुछ है, तो अगर डीप नेक पहन रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहेगा। कपड़ा बहुत प्यारा है, बहुत लाइट है, लाइटली पैडेड मिल जा रही है, दो हुक्स आएंगे और इसमें भी फुल कवरेज है। अगेन सो सो लाइट, सो गुड इन क्वालिटी, सो गुड, सो सो गुड। एंड इसे मैं रेट करूंगी 9/10 क्योंकि ये बाउंस कंट्रोल नहीं दे रहा है। सिर्फ एक चीज मुझे मिसिंग लगी, अदरवाइज फुल कवरेज है, सीमलेस लुक दे रहा है। टी शर्ट पहनो, कुछ भी, कोई भी ड्रेसेस पहनो, बहुत अच्छा प्यारा सा लुक दे रहा है। बट सिर्फ बाउंस कंट्रोल नहीं है क्योंकि इसमें वो लिफ्टिंग ऑप्शन नहीं मुझे फील हुई, जो कि मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी उसमें फील हुई है। इन सारे ब्रास मैंने दिखा दिए हैं। अब मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट, सेकंड फेवरेट, फर्स्ट जो मैंने दिखाई वो सीमलेस वाली, दैट आ गई ये वाली। एंड नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट ब्रा, ये बहुत 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 अच्छी है गाइस। दिस इज ग्रेट फॉर अगर साइज तुम्हारी 40 तक है, 42 तक है, जस्ट इन्वेस्ट इन दिस। ये बहुत अच्छा लिफ्ट देती है, बहुत बाउंस कंट्रोल देती है, जैसे स्पोर्ट्स ब्रा में होते हैं ना, सो बाउंस कंट्रोल भी देती है। इसका कपड़ा इज सो सॉफ्ट एंड सो गुड फॉर समर। एंड इसमें इसकी पूरी पैटर्न ऐसी है ना, ये देखने से नहीं लग रहा, बट पहनने के बाद जो कंफर्ट है, जो फुल कवरेज, एक्चुअली फुल कवरेज है, बिल्कुल भी यहाँ से आपको कुछ डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं होता है। इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे थे, मैंने ब्लश क्योंकि न्यूट्रल भी ऑप्शन जो था ना आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने ये वाला कलर चूज करा है। यहाँ पे यह छोटा सा कट डिटेलिंग है एंड बहुत लाइटली पैडेड है, निपल शोइंग के चांसेस नहीं होते हैं। इसमें कोई अंडरवायर नहीं है, जैसे सारे के सारे विदाउट अंडरवायर हैं बट फुल कवरेज हैं। तो ये वाली ब्रा इज सो सो गुड। एंड इसके जो स्ट्रिप्स हैं ना, अच्छा सा पैडिंग, मतलब बहुत सॉफ्ट स्मूथ फील दे रहा है, मतलब ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है कि स्ट्रिप्स आपने वेयर की हुई है। एंड बैक साइड में इस तरह से स्ट्रिप्स की डिटेलिंग आएगी। तो अच्छा, इसके जो ये ऑप्शन है, दैट इज 1 2 3 4, फोर हुक्स ऑप्शन है, ऐसे थ्री हुक्स के ऑप्शन आएंगे। तो हर तरह से ये 10/10 या 100/10, मतलब 100 मुझे बहुत पसंद आया है। एंड लास्ट ब्रा मैं दिखा दूं, ये बहुत अच्छी है, बट आई फील दिस इज नॉट फॉर, क्या मैं बोलूं, मतलब इसमें ना आपको नीचे जो इसमें जैसे ये होल्ड करने के लिए आते हैं ना, ये लास्ट वाले ब्रा में मुझे ये वाली मिसिंग लगी। ये क्यों ऐसे दिया गया है मुझे समझ नहीं आया। रेस्ट आपको अच्छी से कंफर्ट मिल रही है, यहाँ पे स्ट्रिप्स में अच्छी से पैडिंग मिल रही है, नीचे सिर्फ आपको मतलब बहुत सीमलेस फिनिश मिल रही है, जैसे कि आप देखोगे बहुत सीमलेस फिनिश मिल रही है, बहुत लाइट है फॉर अकॉर्डिंग टू दिस हीट वाले मतलब वेदर के लिए। अंदर से जो है ना बहुत लाइटली पैडेड है, सब चीज अपनी जगह बहुत अच्छी है, बट आई फील यहाँ पे जो नीचे जो एक ब्रॉड ये आती है ना, दैट मैंने जो दिखाया जैसे इस ब्राज में ही है, ये स्टेप्स जो आते हैं जो कहीं ना कहीं आपके बस इसको होल्ड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, वो चीज़ मिसिंग मुझे इसमें लगी। इसमें वो चीज़ थी ही नहीं, तो आई डोंट नो क्या मैं बोलूँ, बट वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज 8/10 मेरे साइड अकॉर्डिंग। हर चीज इसकी बहुत अच्छी है, बट वो मिसिंग होने के कारण आई कांट फील कंफर्टेबल इन दिस ब्रास। सो सारे मैंने शेयर कर दिए अपने फेवरेट वन एंड जिसमें जो चीजें मुझे मिसिंग लगी, एवरीथिंग। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई हो या फिर कोई भी दिमाग में होता ना,
जब हम पहनते हैं या हम खरीदने वाले होते हैं तो 50 तरह के क्वेश्चन माइंड में आते हैं. जस्ट आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड फटाफट से जो तुम्हारी फेवरेट है बाय कर लो, सेल में बाय कर लो एंड फ्री हो जाओ फॉर 5, 6, 7, 8 ईयर्स. क्योंकि जो 5 साल मुझे पुराने भी बाय किए हैं वो भी अभी बहुत अच्छे हैं और आगे आई फील कि वो 5 साल और चलेंगे. और अच्छे से वॉश कर रहे हो, अच्छे से रख रहे हो, दरअसल से कुछ नहीं होने वाला है. तो जस्ट बाय वन एंड थैंक मी लेटर. और मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी दैट मैं किसी ना किसी तरह सोर्स बनी तुम लोगों की क्वेश्चन एंड क्वेरी एंड प्रॉब्लम्स की. क्योंकि जब मैंने ये सो फेस की थी ना, तो आई फील कि ये यूट्यूब चैनल ही था जो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प आउट किया था. तो आई फील द सेम आई डिड it today or that's it for today's video. Thank you so much for watching guys. Meet you next video mein. Till then take care, na khyal rakhein, khush rahein, bye bye.